ध्यान दिया होगा। पता नहीं निकम्मा नकारा गद्दार ये सब बोलते रहते हैं वो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट साहब ये राजस्थान की सेहत के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं उनके साथ एमएलए नहीं, चार्टर प्लेन में आज ही 4 MLA उनके साथ ही गई कर ली। 102 विधायक जो ये बता रहे हैं उनमें से 3 विधायक तो आज भी उनके साथ वहां के वहीं गए हैं, इनके इनके 102 वालों में से एक मैं खड़ा। और काउंटिंग क्यों नहीं करवा लेते? 80% MLA सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हम दावेदारी छोड़ देंगे। इसे लेने वाले जो जिनका नाम निकाल को कि उनमें से आपने 5 लोगों को मंत्री क्यों बनाया जो 10-10 करोड़ रुपए अमित शाह से लेके आए, उनमें से 5 लोगों को तो आपने मंत्री बना दिया। और ये स्टेट तो उस टाइम में लेते तो ज्यादा बढ़िया था ना। अब ये नए नियम अब क्यों लग रहे हैं? हमारे साथियों को जब हमारे साथी मंत्री बन रहे थे तब तो नियम नहीं थे। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, 80% विधायक यदि सचिन पायलट जी के साथ नहीं होंगे तो हम सचिन जी पायलट अपना दावा छोड़ देंगे मुख्यमंत्री के लिए। वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 विधायक उनके साथ नहीं है, कोई बगावत नहीं है, सारा ये आलकमान की अवहेलना एक भी आदमी नहीं कर सकता। और कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से सारे MLA हैं, उनके आशीर्वाद से सारे मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। अपने दम पर गांव के सरपंच नहीं बन सकते, नगर पालिका में और निगम के अंदर पार्षद नहीं बन सकते अपने दम पर, सब कुछ कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद है, उसकी वजह से बैठे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।